কালচিনি ডিমা চা বাগানে শ্রমিকরা সরকার নির্ধারিত রেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ডিলাররা তাদের প্রাপ্য রেশন থেকে বঞ্চিত করছে। কেউ কেউ দশ কেজি, কেউ পাঁচ কেজি করে কম চাল পাচ্ছে। রাশন কিতনা নি মিলে রে কা সমস্যা আয়ুকে বতাও। মোর রাশন তো 25 কিলো মিলে জায়গা নেই, মোর মিললা 15 কিলো। তো মই গো কহলো কি মোর 15 কিলো কাইছে তো एगो कांच में 5 किलो कर जागा नंबर 25 किलो है, एक जगह में कैसे 15 किलो हो गई कई के मई को पहलो तो का का के तो ओ मन कहो थे कि दुई ठो काट कर नहीं हो, तो मई को कहलो मोर दुई को काट के कैसे नहीं हो, मैं तीन बेर राशन जो है चीख तो मैं काया लगे पास नहीं हो। मोर तो अति हमें तो पब्लिक है कि यहाँ तो आदमी मना देखो ना कि जितना बड़का आदमी हो उतने बगड़ा राशन पाए, जितना गरीब हो उतने कम से राशन पाए ना। तो वो तो डीलर अथी का है के है मेंटेन का, तो हमें चाहे परिवार है चाहे परिवार में 15 केजी हमें पाले, 15 केजी पाले। तो मोर बेटा कह लग गई अरे हमारे तो 20 केजी होता तो काले को 15 केजी मिल लग गई के कह लगे जितना कम पकड़ में देखा लग उतने हमें पाले कह के कह लगे। এই অভিযোগে এদিন কালচিনি বিডিওর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলো আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। তাদের দাবি শ্রমিকদের প্রাপ্য রেশন প্রদান করা হোক। মুখ্য বিষয় হয় जो भी वितरण केंद्र है वहां कंट्रोल किया जाए। वितरण केंद्र में जो है धांधली हो रही है अभी भी। स्लिप क्यों नहीं देंगे? कितना शॉर्ट मिल रहा है आपको? किसी का 15 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 5 किलो, 20 किलो, 25 किलो तक कम मिल रहा है। कौन सा एरिया का ये केस? ये डीमा बीच लाइन का है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग इसको लेकर? इसको लेकर के अभी तो हम लोग यहाँ दिए डेपुटेशन, इसके बाद जो है डीएम के पास जाएंगे, डीएम को भी देंगे और इसका कॉपी जो है। किस संगठन से आप लोग कर रहे हैं ये? हम लोग हैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से। चलिए, विशेषकर डीमा संघ भवन और डीमा नेपालियन में जो पीके दत्ता जो है तो उसमें हम लोग उसको मेंशन नहीं किए हैं डेपुटेशन में, लेकिन करप्शन वहाँ पर भी हो रहा है, विशेषकर हो रहा है तो भवन में डीमा विचलन के। किस तरह का ये? किस तरह का मेजरमेंट में मैंने किस तरह किसी जैसे अभी सभी को पता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से 15 किलो राशन मिल रहा है, उसके साथ पर हेड 5 किलो करके मिल रहा है। तो किसी को 5 कार्ड है तो इधर 15 किलो, उधर 5 कार्ड का 25 किलो, तो कितना होना चाहिए? 40 किलो। लेकिन उसको दिया जा रहा है 25 किलो, 30 किलो दे के छोड़ देना है। हम लोग का टी गार्डन का मोस्ट जो लोग है वहाँ पे जो इलिटरेट पर्सन है ना, इसलिए वो नहीं समझ पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि कितना हमें मिलना चाहिए। तो इस बारे में किससे बात हुआ आपको? वीडियो को हम लोग जानकारी दिया है, वीडियो साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ पर भेजा है, हम लोग को बात की उनसे। क्या इंस्पेक्टर क्या बोले? आश्वासन दिया, हम लोग छानबीन करके देखेंगे जैसे बोले हैं। आप लोगों का मुख्य डिमांड क्या है इसमें? राशन सही तरह से मिले। ए विषय কালচিনি বিডিও ভূষণ শিল্পা জানন কিছু জায়গায় ভুল বোঝাবুঝির জন্য সমস্যা হচ্ছে, আমরা বিষয়টা দেখছি। তিনি এও জানান কালচিনি ব্লক জুড়ে যাতে ঠিকভাবে রেশন বণ্টন করা হয় তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। স্যার, রাশন কো লেকে কই অভিযোগ আ রহে হ্যায় জিসমে কই লোক বতা রহে হ্যায় কি উনে কম রাশন দিয়া জা রহা হ্যায়, উনকো জ্যাদা মিলনা চাহিয়ে, ডিলার কে সাথ মতলব থোড়া অনবন হো রহা হ্যায়, ইস বিষয় মে ক্যা পহল গ্রহণ কর রহে হ্যায়? विशेष करके आप लोग मैं यही बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम लोग मई में अप्रैल में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उस टाइम में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में क्या गड़बड़ हो गया कि मैंने किसी का 15 दिन का, जैसे कि 15 दिन का राशन था और नेक्स्ट 15 दिन का, लेकिन बेनिफिशियरी को मालूम नहीं था कि मेरे 15 दिन का मेरे को मिल रहा है, इसलिए वो कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेन करने के बाद में जब इंक्वायरी किया हमने, इंक्वायरी करने के बाद में हम लोगों को पता चला कि वो 15 दिन का दे रहा है, इसलिए 15 दिन के हिसाब में वो जो 1 महीना का मिलना है वो तो हाफ मिलेगा उसको, इसलिए इंक्वायरी करने के बाद में वो मोटा मोटी क्लियर हो गया था। लेकिन इस बार जो मई से जो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है इसके लिए जिला प्रशासन ने ऐसा प्रिपरेशन कर दिया था कि नीचे इंस्पेक्टर लेवल से लेकर ग्राम पंचायत का प्रत्येक स्टाफ को भी वहाँ पर इंगेज करके, एक्सटेंशन ऑफिसर को भी इंगेज करके प्रत्येक लेवल में मीटिंग, और एमआई डीलर को भी प्रत्येक ब्लॉक वाइज
मीटिंग करके ऐसा प्रिपरेशन किया था कि एक तारीख से जब शुरू हुआ माने आदमी लोग इतना भीड़ भी, लेकिन उन लोगों को भी बोल दिया था कि सोशल डिस्टेंस, अभी कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो भी मेंटेन हो गया। अभी हम लोग देख रहे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जगह में आदमी को नहीं समझने के कारण ऐसा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन सरकार के तरफ से जो राशन दे रहा है बेनिफिशियरी वो राशन पा रहा है, और इस बार सरकार ने किया कि प्रत्येक दुकान में एक फ्लैक्स लगा लिया, तो फ्लैक्स लगाने के बाद में कैटेगरी वाइज उसको कितना राशन मिलेगा वो भी वहाँ पर लिख दिया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन इसी में था, अभी लेकिन वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अलीपुर द्वार से वॉइस आपकी आवाज़ के प्रतिनिधि विवेक शर्मा रिपोर्ट।